बच्चों को नशे की गिरफ्त से दूर कराने की दिशा में जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत दरगाह थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बच्चों को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराने की दिशा में जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत दरगाह थाना पुलिस दल ने नशीले पदार्थ का काला कारोबार करने वालों के ठिकानों पर दबिश देकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह के अनुसार आरोपियों में 3 लोग वे शामिल हैं जो बच्चों को चरस, गांजा, अफीम और अन्य पदार्थ मुहैया कराते हैं और उन्हें आपराधिक गतिविधियों में लिप्त करने को मजबूर करते हैं। पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ अभियान में SP राजेंद्र सिंह के निर्देश पर ब्यावर सर्किल की स्पेशल टीम के देशराज, महेंद्र सिंह, दीपक, सुनील ने दरगाह इलाके में 16 खंबा से आरोपी शमशेर पुत्र वसीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 110 ग्राम गांजा, चिराग अली उर्फ बिलाल शाह के कब्जे से 16 ग्राम चरस बरामद की है। श्रीमान SP साहब श्री राजेंद्र सिंह जी के निर्देशन में जो दरगाह क्षेत्र में नशे में लिप्त व्यक्ति है वह नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उस कड़ी में आज स्पेशल टीमें जो पूरे अजमेर जिले की लगी हुई है उनमें से ब्यावर वाली टीम ने 16 खंबा क्षेत्र में 2 व्यक्ति जो कि नशा कर रहे थे और नशे का सामान उनके पास था, एक तो शमशेर पुत्र वसीम जो कि अलीगढ़ UP का रहने वाला है व साथ में चिराग अली जो कि जामा मस्जिद दिल्ली का रहने वाला है, इनके कब्जे से 16 ग्राम मादक पदार्थ चरस वह 110 ग्राम गांजा बरामद किया गया जिसका मुकदमा बनाया गया है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह दरगाह टीम द्वारा स्पेशल टीम द्वारा महेंद्र सिंह व लक्ष्मणगंज थाने के सिपाही द्वारा एक इतला मिली कि माजिदा और बुल्ली जो कि इसका कारोबार करती है इसके पास 12 ग्राम स्मैक बरामद की गई जिसके खिलाफ मुकदमा बनाया जाकर कार्रवाई की जा रही है।